कश्मीर न्यूज़ सर्विस प्रेजेंट। ट्रांसपोर्ट है मेरे ख्याल से वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर आपका ट्रांसपोर्ट बैठा है तो आपका सब कुछ इकोनॉमी बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जब हमें पता है तो गवर्नमेंट को हमारी मतलब उनको सारा क्लियर है कि ट्रांसपोर्ट किन हालातों से गया है अभी तक। और हम आपके थ्रू ये अर्ज करते हैं जे एंड के गवर्नमेंट को कि ऐसा इनिशिएटिव करें जो इनको अभी तक बेचारों को प्रॉब्लमें हैं। जेन्युइनली अगर उनकी डिमांडें हैं, वन कैन सी के टैक्स बढ़ गए हैं उनके, जबकि गाड़ियां बैठी थी, पैसेंजर फेयर जो भी है वो फिक्सेशन एक कमेटी बैठे ताकि फ्यूल प्राइजेस बढ़ रहे हैं वो कहां से लाएंगे। तो वो जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनके, मैं कल भी देख रहा था कि बहुत ऐसी डिमांडें हैं। आप देखिए कौन सा सेक्टर अफेक्ट नहीं करेगा अगर ट्रांसपोर्ट हमारा कल से चक्का जाम हो जाएगा। मेरे ख्याल से हर एक सेक्टर, नेम द सेक्टर विच विल नॉट बी अफेक्टेड, तो ओवरऑल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से प्रोएक्टिव स्टांस लेना चाहिए गवर्नमेंट को। हम अर्ज करते हैं कि एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, कि इनके साथ इनिशिएट करें और एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। कब तक ये लोगों के पीछे, ब्यूरोक्रेट्स के पीछे भागेंगे? तो मैं कर रहा हूँ कि एक रिक्वेस्ट हो या आप अपील कहें, एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाया जाए जो जेके मॉडल कहा जाएगा, जिससे कि रेस्ट ऑफ इंडिया उस मॉडल पे फॉलो करे, कि ऐसी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जिसमें ईज ऑफ डूइंग वर्क हो, इसमें हमारे पेपर लेस काम हो। क्योंकि ये कब तक डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट इतने जो इसमें रखे हैं, इसमें रियली ईज करने की ज़रूरत है। अगर हमारी भी कहीं सजेशंस की ज़रूरत है, हम वहाँ पे बैठने के लिए तैयार हैं। और स्टेक होल्डर्स को सामने लाएं, उनके साथ बातचीत करें, ताकि ये जेन्युइनली जो इनके इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दोराह नहीं है कि गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए, प्रोएक्टिव स्टांस लेना चाहिए। जो भी ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ बात करें, रियल स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें, क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं और इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। Thanks for watching Kashmir News Service.